जाहिर सी बात है, प्रेगनेंसी के 9 महीने में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना होगा। आप जो भी खाती हैं पीती हैं उसका सीधा असर शिशु पर पड़ता है। वहीं कुछ खाद्य पदार्थ और ड्रिंक्स गर्भ में पल रहे शिशु के विकास को प्रभावित कर सकते हैं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। गर्भावस्था के दौरान अगर आपको भी कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है तो संभल जाइए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको गर्भावस्था में कोल्ड ड्रिंक पीने के नुकसान के बारे में पता लग सके। गर्भनाल को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादातर कोल्ड ड्रिंक में कैफीन होता है, जिसकी लत लग जाती है और कैफीन खून में आसानी से ऑब्जर्व हो जाता है। कैफीन प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के जरिए शिशु तक पहुंच जाता है और कैफीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एड्रेनल ग्रंथि को प्रभावित करता है। कैफीन गर्भस्थ शिशु की लाइफलाइन कही जाने वाली गर्भनाल यानी प्लेसेंटा को नुकसान पहुंचाता है। कैफीन हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में लगभग 11 घंटे तक रहता है। इतना ही नहीं, कैफीन मूत्रवर्धक होता है जो डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है और गर्भावस्था में अधिक कैफीन लेने की वजह से गर्भवती महिलाएं भी डिहाइड्रेट हो सकती हैं, यानी कि शरीर में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए गर्भावस्था में कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि से बचना चाहिए। शिशु विकलांग तक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने से शिशु को जन्मजात विकृति हो सकती है। शिशु विकलांग तक हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक और सोडा में फास्फोरिक एसिड होता है जो हड्डियों से कैल्शियम खत्म करता है, कैल्शियम खींचता है और कैल्शियम की कमी के कारण गर्भस्थ शिशु की हड्डियां कमजोर हो जाती है, जिसके कारण शिशु विकलांग तक हो सकता है। यही नहीं, कोल्ड ड्रिंक और सोडा जैसे पेय पदार्थों का सेवन करने से समय से पहले डिलीवरी यानी प्री टर्म डिलीवरी का खतरा 3 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही शिशु का वजन बढ़ने का खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है और ऐसी महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी की संभावना भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। शिशु को एलर्जी का खतरा। कोल्ड ड्रिंक में कलरिंग एजेंट, फ्लेवर और आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसी चीजें डाली जाती हैं और ये सारी चीजें गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए अनहेल्दी होती है। इन चीजों से गर्भ में पल रहे बच्चे को एलर्जी होने का खतरा हो सकता है और जब बच्चा जन्म लेता है तो ये एलर्जी जन्मजात विकृति बन सकती है। दोस्तों, शिशु के मस्तिष्क को कमजोर करता है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है, जो गर्भवती महिलाएं खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक या सोडा लेती हैं गर्भावस्था के दौरान, उनके बच्चों की सवालों को सुलझाने और चीजों को याद रखने की मानसिक क्षमता कमजोर हो जाती है और इसका गर्भ में पल रहे बच्चे के मस्तिष्क पर बुरा असर पड़ता है। दोस्तों, इससे गर्भस्थ शिशु की याददाश्त कमजोर हो जाती है। इसके अलावा बच्चे की मोटर स्किल भी प्रभावित हो सकती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और अपने लिए कोई हेल्दी ड्रिंक ढूंढ रही हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक और सोडा की बजाय नींबू पानी, नारियल पानी या फिर ऑरेंज जूस वगैरह पीना चाहिए। ये सभी चीजें गर्भवती महिलाओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।